लॉकडाउन के इस मुश्किल दौर में कुछ लोग ऐसे भी हैं जो सड़कों पर घूमते आवारा जानवरों की सेवा में जुड़े हैं। ऐसे लोगों की बदौलत इन जानवरों को वर्तमान में भोजन मिल रहा है। राजधानी देहरादून में पशुपालन विभाग के डॉक्टर और सामाजिक संगठन बाकायदा कम्युनिटी किचन चला रहे हैं, जहां महिलाएं बेजुबान जानवरों के लिए रोटियां बना रही हैं। यहां रोजाना 800 से 1000 रोटियां बनाई जा रही हैं। सिर्फ रोटियां ही नहीं, 400 से 500 अंडे भी इनमें प्रयोग किए जाते हैं। ये रोटियां उन स्ट्रीट डॉग्स को दी जा रही हैं जो अक्सर बाजार के बचे हुए खाने पर ही निर्भर थे। यहां सिर्फ स्ट्रीट डॉग्स ही नहीं बल्कि गाय, बैल और गधे जैसे अन्य जानवरों को भी हरा चारा और भोजन उपलब्ध कराया जा रहा है। पशुपालन विभाग के डॉक्टरों के साथ ही सामाजिक संगठन भी इस व्यवस्था से जुड़े हैं। अभी हम लोगों ने मतलब पहली बार शायद देश में एक डॉग्स के लिए, स्पेशली जो स्ट्रे डॉग्स होते हैं, आवारा जो कुत्ते होते हैं सड़क के कुत्ते, उनके लिए हमने कम्युनिटी किचन चलाई है यहाँ पे देहरादून में, जिसमें हम लोग उनको रोटी और अंडा मिक्स करके प्रतिदिन लगभग हम 800 से 1000 डॉग्स को प्रतिदिन खाना दे रहे हैं। इसके साथ साथ हमने जो गाय या आवारा सड़क पर जो गाय है, स्ट्रे कैटल्स जिन्हें हम बोलते हैं, दिन इन गाय, उनके लिए भी हमने हरे चारे की व्यवस्था था, भूसा वेली की व्यवस्था शासन के माध्यम से करी है। जहाँ तक ये डॉग्स की फीडिंग का सवाल है, इसमें गवर्नमेंट से ज़्यादा जो वॉलेंटियर्स हैं, जो डॉग लवर्स हैं स्पेशली शहर के, उन लोगों का बहुत बड़ा रोल है। वो कंट्रीब्यूटरी, इसको हम कह सकते हैं कम्युनिटी किचन इसीलिए नाम रखा है कि कुछ शासन का, सरकार का सहयोग है और कुछ जो वॉलेंटियर्स हैं वो आपस में कंट्रीब्यूट करके तब हम इस किचन को चला पा रहे हैं। हमारा एक ही उद्देश्य है कि लॉकडाउन के एंटायर पीरियड में एक भी सड़क पे जानवर, एक भी स्ट्रे एनिमल भूख से परेशान ना हो, और हम रोज़ 2000 से ज़्यादा स्ट्रे एनिमल्स को न्यूट्रिशियस फूड, पौष्टिक भोजन खिला रहे हैं। और हमारे 40 के करीब वॉलंटियर्स हैं। हम लोग सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करते हुए और प्रॉपर प्रिकॉशंस लेते हुए पूरे देहरादून में स्ट्रे एनिमल्स को फीड कर रहे हैं। उत्तराखंड के पशुपालन राज्य मंत्री रेखा आर्य का कहना है कि पशुपालन विभाग को ये निर्देश दिए गए हैं कि राजधानी सहित प्रदेश के अन्य हिस्सों में आवारा पशुओं के लिए हरे चारे और स्ट्रीट डॉग्स के लिए अंडे, रोटी आदि की व्यवस्था करें। जो पशु जो स्वच्छंद रूप से घूम रहे हैं उनके लिए चारा का विषय, तो हमारे सभी जनपदों में, 13 जनपदों में हमने अपने CVOs को ये निर्देश दिए हैं कि जहाँ जहाँ, चाहे वो कुत्ते हों, चाहे वो हमारे स्वच्छंद पशु गाय हो या बैल हो, वो अभी तक इस लॉकडाउन के पीरियड में, जो इससे पूर्व में वो जहाँ जहाँ एकत्रित होते थे, उन स्थानों का चिन्हीकरण करके वहाँ पर हरा चारा इत्यादि दिया जाए, कुत्तों के लिए दूध और अंडा इत्यादि दिया जाए, तो वो व्यवस्था चल रही है और अभी तक मुझे कहीं से भी शिकायत नहीं मिली है। और DMs भी अपने आपदा फंड से ये फंड दे रहे हैं, कहीं पर 1.5 लाख दिए हैं, कहीं पर 1 लाख दिए, तो ज़रूरत के अनुसार इसकी पूर्ति की जा रही है।